अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं कर रही थी अब्बू के कपड़े प्रेस। ये कल की वीडियो है, फ्राइडे था कल, तो नमाज़ की वजह से अब्बू के कपड़े प्रेस कर रही थी। अपने कपड़े तो मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी काम है वो करने हैं। उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी अब्दुल्ला के, अपने आमना के, और या फिर आमना खुद ही कर लेंगी हम तीनों के। अभी तो मैं, क्योंकि किचन में मुझे काफ़ी काम था और इस वजह से ना बस मैं अब चाहती हूँ कि अब्बू का काम जो है ना टाइम पर हो जाए। क्योंकि जैसे बुज़ुर्ग हजरात होते हैं ना, अम्मी अब्बू या सास ससुर या बड़े जो भी हों जिनका काम हमारी ज़िम्मेदारी है, तो कोशिश ये क्या करें कि ना टाइम पर कर दिया करें। क्योंकि एक जो घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसकी मेन वजह यही होती है कि आप अपना काम पहले कर रहे होते हैं और अपने बड़ों का या जो आपकी ज़िम्मेदारी दूसरों के काम होते हैं ना, वो आप नहीं कर रहे होते। तो फिर बड़े होने के नाते ना बड़े इस चीज़ के फिर नाराज़गी का इजहार करते हैं, तो फिर हम लोगों से ना छोटों से वो नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपने घर का नहीं बता रही, मतलब दूसरों का बता रही हूँ कि क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बस यही कोशिश क्या करें कि पहले ना जो ज़िम्मेदारी हमारे हम पर पड़ी है ना दूसरों के कामों की, वो पहले कर दें। अपने काम का तो है कि अपने हाथ का काम है, और जब चाहें कर लें और जब चाहें ना करें। तो बस और थोड़ा सा ना टाइम को मैनेज करके भी चलें। जैसे कि अगर आप अभी पहले से खाने में लग गई, जबकि पता है आपको कि अब्बू नमाज के बाद खाना खाएंगे, अभी तो नहीं खाएंगे ना। अभी पहले क्या काम है, पहले कपड़े प्रेस करना है या कुछ और उनका काम है वो करना है, उसके बाद जो है आप खाना बना लें। तब तक अब्बू नमाज़ पढ़ के आएंगे तो फिर लंच भी हो जाएगा, या फिर क्योंकि फ्राइडे को तो सभी का यही है कि 3 बजे तक ही तकरीबन सब खाना खाते हैं, क्योंकि सभी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे होते हैं, उससे फ़ारिग होके ही खाना खाते हैं। तो कोशिश ये करें कि सबके नहाने धोने की तैयारी करने के बाद ही जो है ना किचन की तरफ आएँ। तो बहरहाल ये था, और ये है आज का, यानी कि आज क्या दिन है, आज है सैटरडे। तो आज की सुबह का है ये। बस आमना फैज़ी का दिल चाह रहा था कि तली हुई रोटी खाएं, और यानी कि फिर उन्होंने फ्रेश ये मंगाई थी, रात की नहीं है। अली का आज हाफ डे था ऑफिस से, तो उन्हें आते हुए कह दिया था कि आप भाई हमारे लिए ना तंदूर वाली नान या रोटी, जो भी आप इसे कहते हैं ना, वो ले आइएगा। तो बस वो चाय से खाएंगी। दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय चढ़ाई हुई है, जो सिर्फ 2 ही कप है। ये देखें, अली को आने में देर हो गई थी, तो फिर फैज़ी ने ना तो नाश्ता स्लाइस और अंडे से ही कर लिया था। ये आमना का नाश्ता है, और आमना को सॉफ्ट बिल्कुल रोटी पसंद है, एकदम से कड़क पसंद नहीं है। तो मैंने, आपने देखा होगा, काफ़ी बारिश में मैंने पानी ऐड किया है और फिर इसको फ्राई किया है हल्के से घी में। और चाय में मुझे या तो दूध कम लग रहा है या फिर कुछ अंधेरे का इफ़ेक्ट है, मुझे नहीं अभी पता चल रहा। ये मैंने अली के लिए निकाली थी, रात का सालन था, और ये दही लेकर आए थे, इसमें उन्होंने चीनी ऐड करवाई है अली ने। अली को बहुत शौक़ से खाते हैं, अली बहुत शौक़ से खाते हैं दही और चीनी मिक्स करके। अली मीठा खाने में बिल्कुल मुझ पर गए हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ अपने घर में, और अली भी ज़्यादा मीठा खाते हैं, बाकी और कोई भी इतना मीठा नहीं खाते। ये मेरी चाय थी जो बच गई थी, वो हाफ कप, वो मैंने ले ली, मैं इन्जॉय कर लूँगी इसको। और आप में से कौन कौन दही में मैं चीनी ऐड करके मज़े ले ले के खाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। और जनाब, ये है हमारा मनी प्लांट, जो कि ये मैं पुरानी वीडियो दिखा रही हूँ आपको, जब भी ये देखिएगा। अभी आप इसमें, अभी आपको इसमें दिखाती हूँ, देखें नीचे बिल्कुल जो इसका तना है, यानी कि जो इसमें स्टिक लगाते हैं ना, ये पाइप होता है प्लास्टिक वाला, और उसके ऊपर ये जो छाल होती है ना, उसके बाल होते हैं, आई थिंक क्या कहते हैं उसको, नारियल के जो बाल निकलते हैं, उन्हें लपेट कर रस्सी से बांध देते हैं, ताकि ये जो लंबी लंबी ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ब्राउन ब्राउन सी है, इसकी जड़ें हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ, देखें ये सब इसकी जड़ें हैं मनी प्लांट की। तो अभी देखें, ये मेरा जो मनी प्लांट है ना, बिल्कुल खाली खाली है, अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, ये बिल्कुल फिल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी वजह ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि इसमें पानी जो है ना ऊपर से डाला जाता है। जब हम ये प्लांट लेकर आए थे, उन्होंने नहीं बताया, हम नीचे डालते रहते थे हर वक्त ना। ये देखें बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई, और ये छोटी सी एक पत्ता निकला हुआ है, यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको। तो हम क्या करते थे, बस जड़ में जैसे आम रूटीन में पौधों को पानी डालते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा हम पत्तों पे डाल देते थे पानी। लेकिन काफ़ी टाइम जब हो गया इसको, तो फिर मैंने अपने, ये छोटा पौधा भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किस चीज़ का लगा था बाद में पता चला था, जामुन का है, मैं बताया एक और वीडियो में आपको। ये छोटे छोटे इसमें ना 1-2 लीव्स आ रहे हैं, ये देखें न्यू लीव्स आ रहे थे,
अब ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये बड़ा प्लांट है, ये अभी की वीडियो है यानी आज। तो ये है ना, इस पर कितनी डस्ट आई है, जैसे मैं बता रही थी, आजकल बता रही हूँ बहुत अच्छा मौसम है, हवाएं चल रही हैं। तो ये मैंने इंडोर प्लांट है बट मैंने इसको बाहर रखा हुआ है, इधर यहाँ पे इतनी बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, जितनी इसको ज़रूरत है ना इतनी ही धूप आती है, यानी तपिश ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ रखा हुआ है, ये मैंने माली से पूछ के रखा था यहाँ। अब ये देख लें कितनी इसमें से शाखें निकल आई हैं, डालियाँ टहनियाँ क्या कहते हैं उनको, वो निकल आई हैं काफ़ी सारी, ये देख लें आप। अच्छा मैं बता रही थी पत्तों पे ना फिर उसकी डस्ट है, वो फिर मैं किसी टाइम ने इनको कपड़े से साफ़ कर दूँगी तो क्लियर। अब ये देखें, ये जो शावर है आपके पास, अगर आप शावर से पानी दे रहे हैं इनको या अगर आप किसी भी बर्तन से दे रहे हैं ना, तो इनको ऊपर से दें इस तरह से, ये देखें इस तरह से दें, जितना भी इसका जो ये जाल लगा हुआ है ना पूरा ये तर होना चाहिए, इसको पानी देने का तरीका ये है, इसको गीला रहना चाहिए और डेली भी नहीं देना है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से तर कर दिया, जितनी भी इसकी जड़ें हैं वो वहीं से सोख कर लेंगी, तो ऐसा माली ने बताया। तब से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो हो गया और ये वो पौधे हैं जो भी मैंने दो चार दिन पहले आपको वीडियो दिखाई थी ना अपनी, या शायद उससे पहले दिखाई होगी, तो वो मैंने लगाए थे बीज वगैरह ना, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से प्लांट्स निकल आए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही खूबसूरत से ये ग्रीन ग्रीन से लग रहे थे, तो मैंने आपको कहा था आपके साथ शेयर करूँगी ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट निकल आए। अब ये देखें कितना ग्रो करते हैं, एक ही है मेरे पास बेल का पौधा, ये तो सभी के घर में आम सा पौधा, ये एलोवेरा है। बाकी प्लांट्स ना ये बड़े हो के आपको लग रहा होगा कि जैसे गमले खाली हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे इनके तने रह गए हैं, बाकी प्लांट ना ऊपर ग्रो कर गए यानी बड़े हो गए। और ये कड़ी पत्ता भी माशाल्लाह, पहले एक ही डाली थी इसमें, अब ये दो शाखें निकल आई हैं, एक बंच आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा और एक बंच पीछे, लेकिन हम इसे ग्रो ही नहीं होने देते, बस इधर इसमें पत्तों में पत्तियाँ आती हैं और हम उसको निकाल के ले जाते हैं, खाली बंच नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि मेरे घर में ना कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही है, मेरे हस्बैंड को भी इसकी खुशबू फ्लेवर पसंद है और मुझे भी। और जनाब ये बन रहा था पिज़्ज़ा के लिए, चिकन फ्राई हो रही है, तो थोड़ा सा एक दो टेबल स्पून घी सॉरी ऑयल लिया, उसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक ऐड किया और जनाब इस पर चिकन ऐड कर दी है, बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस है ये, थोड़ा सा फ्राई किया, कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ हो जाए। ये देखिए इसमें पानी आ गया है। अब इस फिलिंग से ना आप कुछ भी बना सकते हैं, शावरमा पॉकेट्स बना सकते हैं, शावरमा बना सकते हैं, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक और ये 2-3 पिंच है ऑरेंज फूड कलर, सब ऐड करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके और गलने के लिए रख देंगे, बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गया थोड़ा सा, और इसको हम ये देखें घुमा फिरा लेंगे, एक चक्कर खिला देंगे, उसके बाद जो है ये रेडी हो गया, उसके बाद हम कोयले का धुआं लगा लेंगे। यहाँ मैं बना रही थी मोंगरे, अब आप पता नहीं क्या कहते हैं इसको, सब्ज़ी जो होती है वो, तो मैंने 1 कप ऑयल लिया था, उसमें डाला था मैंने 1/2 टीस्पून कलौंजी, वो फ्राई करी, उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन अदरक डाला, 1 पाव टमाटर ऐड किए, टमाटर ऐड करके मिक्स किए, कवर करके रख दिए, गल गए, गलने के बाद मैंने ऐड किए 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम हल्दी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, भून लेंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से, और मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डालें, लेकिन ये रेशो बहुत ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की बनती हैं, मुझे नहीं पता आप लोग पसंद करते हैं या नहीं, जिनको पसंद है ये देखें इस तरह से होते हैं, बस इनकी साइड्स काटते हैं दोनों और बीच में से कट कर लेते हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये, अब्बू की फरमाइश पे बनी थी, अब्बू की फरमाइश थी, तो मैं और आमना, मैं और आमना बहुत शौक से खाते हैं ये अब्बू के साथ, यानी कि अब्बू मैं और आमना हमारे घर में हम तीनों शौक से खाते हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। ठीक है, पानी डाल के कवर कर दिया था, फिर खोला उसको तो ये गल गई हैं, उसके बाद हमने लिए 1 पाव दाल, बॉयल कर लिया था इसको, उसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया था दाल में, बॉयल करने के बाद अब हमने जब ये गल गई हैं मिक्स कर देंगे, हरी मिर्च ऐड कर देंगे, हरी मिर्च अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद 1/2 टीस्पून कलौंजी ऐड कर देंगे, ये कलौंजी ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूंगी। और जनाब यहाँ आ गई थी मैं अपने पौधों को पानी डालने के लिए, क्योंकि इन्हें भी जब तक प्रॉपर आप खाना पीना नहीं देंगे तब तक ये भी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि जानदार हैं हमारी तरह, तो इनका भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। और जनाब
बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, और अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आज की दाल और मूंगरे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है, और गर्मियों के इस तरह हल्के हल्के खाने बना के खाएँ आप, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, मेरे अब कुछ व्लॉग्स ऐसे आएंगे जिसमें मैं आपको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।